तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई व्लॉग में। तो इस समय मैं हूँ खुसरो बाग में, अंदर आ चुका हूँ, इंट्रो अंदर बना रहा हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। तो चलिए आप सभी को यहाँ की चीजें आप सभी को दिखाते हैं, जो कि यहाँ पे मकबरा बना है, साथ ही यहाँ पे जो है काफी पौधे लगे हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। पीछे का आप नजारा देख सकते हैं और पीछे वो है मकबरा। तो चलिए वीडियो को दिखाते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो गाइस देखिए, हम लोग खुसरो बाग प्रयागराज के गेट पे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से एंट्री करते हैं हालांकि, और इधर है जंक्शन साइड, इधर चली जाती है कौसाम्बी। तो चलते हैं, हम लोग एंट्री करते हैं और आप सभी को सारी चीज दिखाते हैं। और शायद आज इंक्वायरी चल रही है कुछ ज्यादा, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एंट्री करेंगे आपको दीवारों पे काफी अच्छे अच्छे चित्र देखने को मिल जाएगी। और इधर से बगीचे स्टार्ट होता है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैप। यहाँ से देखने पे देखिए चारों तरफ आपको इधर से पूरा एकदम चित्रकारी काफी अच्छी लग रही है, पेंटिंग ये काफी अच्छा बनाया गया है। हालांकि अभी चलते हैं चारों तरफ, उसके पहले आप सभी को दिखाते हैं यहाँ पे मैप बना हुआ है जो कि इस खुसरो बाग को घूमने में आपको आसानी बना सकता है। और यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई हैं, हालांकि मैं स्क्रीन शॉट लगा देता हूँ। तो अभी हम लोग है यहाँ पे जो कि नॉर्थ गेट है, तो अभी हम लोग चारों तरफ इसके घूमेंगे। तो गाइस चलते हैं अब हम लोग इधर साइड में, इधर साइड में है बगीचा और उधर साइड में है जो है जो कि मकबरा वगैरह बना है। तो ये है जो कि अब काफी अच्छा बनाया जा चुका है, इसके पहले नहीं बना था ये काफी अच्छा। और मैं करीब 2-3 साल पहले आया था तो इतना अच्छा नहीं बना था, हालांकि आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा बना हुआ है। और सभी लोग यहाँ पे घूमने टहलने आते हैं, अपना बैठने आते हैं, और आजकल खासकर इंक्वायरी चल रही है। तो चलते हैं आगे और बगीचा है आगे दिखाते हैं वहाँ पे। तो गाइस देख सकते हैं वहाँ पे है एंट्री गेट जहाँ से हम लोग एंट्री किए हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ का नजारा जो कि दोनों तरफ ये जो पौधे लगे हैं, और साथ ही यहाँ पे तिरंगा का कलर बना हुआ है और सामने पड़ता है मकबरा। ये है मकबरा, कितना प्यारा व्यू है। तो चलते हैं अब अंदर, लेकिन इधर से हम लोग नहीं चलेंगे, उधर से है रोड जो कि गार्डन के मतलब के किनारे किनारे बाउंड्री साइड से। तो चलेंगे उधर से बैक होके हम लोग आएंगे मकबरे पे, फिर वहाँ की सीन आप सभी को दिखाएंगे। तो गाइस हमारे साथ हैं हीरो भाई, देख सकते हैं, और अभी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे जो है अमरूद का पेड़ काफी लगा हुआ है, और जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि जो है यहाँ से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है बाहरी साइड में विदेशों वगैरह में। तो देखिए काफी पेड़ लगे हुए हैं, और मैं ऐसे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं भी दिखता रहूँ, नहीं तो वीडियो चोरी हो जाती है। भाई हम लोग उधर से आ चुके हैं और यहाँ पे पहुँच गए हैं एक ये कॉर्नर, और इस कॉर्नर से आप लोग देखिए यहाँ पे ढेर सारे अमरूद के पेड़ आप लोग को दिख जाएंगे जो कि काफी प्यारे हैं। इस समय फल नहीं लगे हैं अमरूद में, लगे हैं भाई साहब, लगे हैं, मैं दिखाता हूँ पास से एकदम। देखिए इधर देखिए, ये आंवला का बगीचा है, यानी कि इधर साइड में है अमरूद और इधर है आंवला। तो अब हम लोग चलते हैं इस कॉर्नर से आगे और आप सभी को दिखाते हैं सारा कुछ। और यहाँ पे देखिए शूटिंग कर रहे हैं। तो गाइस देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये जैसे एक्समस ट्री। तो गाइस इस समय मौसम बहुत सुहाना हो चुका है, धूप खत्म हो चुकी है और बज रहे हैं एक, फिर भी लग रहा है बारिश होगी। और देखिए इधर का जो है कितना प्यारा लग रहा है, और यहाँ पे एक है हनुमान मंदिर, और जस्ट हनुमान मंदिर के सामने यहाँ पे पड़ेगा मकबरा। और हालांकि ये बैक साइड में है, तो अभी हम लोग इधर से चलेंगे उधर साइड में किनारे से, तब उधर साइड में होके चलेंगे उधर मकबरे पे। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे साइड में और आप सभी को दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, अभी तक क्या था, छांव था, और इतनी तगड़ी धूप हो गई फिर से, मतलब लग रहा था कि बारिश होगी, और अभी जो है क्या बताऊं। और ब्लॉग बनाने आप सभी को फ्लावर दिखाते हैं, गजब का फ्लावर देखिए कितना प्यारा। तो गाइज अभी हम लोग इस साइड से आए हैं और यहाँ पर एक काफी बड़ा सा पेड़ दिखा आम का, तो चलते हैं इसके ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ से कुछ इंजॉय करते हैं।
अब इससे ज्यादा नहीं चढ़ सकता क्योंकि इससे ज्यादा मैं चढ़ ही नहीं पाऊंगा, आता हूँ अब नीचे। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं, ये तीसरा कॉर्नर है, दूसरा कॉर्नर है, मतलब वो फर्स्ट कॉर्नर था, फिर मिड में आए हैं जहाँ बजरंगबली की मंदिर है, उसके जस्ट बाद जो है मकबरा सामने दिख रहा था, और ये तीसरा दूसरा कॉर्नर है, इसके जस्ट बाउंड्री है, यहाँ पे लोग रहते हैं, और वो लोग रहते हैं जिन जो मतलब इस यहाँ पे जो गार्डनिंग वगैरह है उसका देख रेख जो करते हैं वो सभी लोग रहते हैं। और धूप है काफ़ी तगड़ा, तो अब चलते हैं इधर साइड से। हालांकि किनारे किनारे कुछ है नहीं दिखाने लायक, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे आपको मिलेंगे। अब इसके बाद सीधा चलते हैं मकबरे पे, आप सभी को मकबरा दिखाते हैं, जो तीनों मकबरा बना हुआ है, खुसरो का मकबरा, उनके उनकी बेटी और उनकी बेगम का मकबरा है। तो चलते हैं, सीधे मिलते हैं मकबरा पे। तो गाइस देख सकते हैं जस्ट हमारे सामने है मकबरा, और यहाँ पे तीन मकबरे एकदम आपको एक लाइन से मिल जाएगा, एक ये सामने है और यहाँ पे बीच में यहाँ पे है और एक वहां पे है। तो यहाँ पे तीन मकबरे हैं और इसके जस्ट बगल में उधर साइड में एक मकबरा है। तभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे और आप सभी को दिखाते हैं कौन सा मकबरा किनका है, तो एकदम पास से चल के दिखाते हैं सारा कुछ। लेकिन देखने पे देखिए कितना प्यारा लग रहा है व्यू, ये मकबरा और साथ ही साथ बादल का जो इस समय रूप है वो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो चलते हैं एकदम पास से आप सभी को दिखाते हैं। हालांकि इस समय धूप है तो ज्यादातर लोग नहीं आए होंगे, और आजकल जो है स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जाता, तो इसलिए आजकल ज्यादा चेकिंग भी हो रही है, तो इसलिए स्टूडेंट वगैरह भी नहीं आए, नहीं तो ज्यादातर यहाँ पे आपको स्टूडेंट मिल जाते थे। और शाम को 4 बजे के बाद तो रील्स बनाने वाले बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, जो जिनकी इंस्टाग्राम पे आईडी वगैरह होगी। और यहाँ पे देखिए अभी हालांकि वहाँ पे लोग दिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, और शाम को 4 बजे करीब तो काफी ज्यादा भीड़ रहेगी। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये मकबरा किनका है, ये है शाह बेगम, यहाँ पे लिखा है। ये एकदम पास से हूँ मैं, और ये है शाह बेगम का मकबरा, और एक ये मकबरा है, और वो तो अभी वहां पे हम चल के दिखाएंगे कि वो किसका मकबरा है। वहां पे नाम लिखा है बकायदे, उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, पहले मैं बताता हूँ पहले क्या था, यहाँ पे सीढ़ियों पे गेट नहीं लगा हुआ था, तो लोग ऊपर जाते थे चढ़ने के लिए, मतलब ऊपर से आप एंट्री कर सकते थे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे गेट लग गया है और जिसको बकायदे लॉक कर दिया गया है, तो यहाँ से हम चढ़ के दिखाते हैं, यहाँ से इसको बंद कर दिया गया है, और ये पहले गेट नहीं लगा था, तो गेट नहीं लगा था तो इसके ऊपर लोग चढ़ते थे। तो हालांकि अभी इस समय तीनों मकबरे पे जो है गेट लग चुका है, और हमारे साथ आए हुए बंधु उधर अभी घूम टहल रहे हैं। और यहाँ पे ये जो गेट है इसके अंदर हम दिखाते हैं, इसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते। ये देख सकते हैं गाइस यहाँ पे है मकबरा, लोगों ने देखा है यहाँ पे जो शाह बेगम का मकबरा है वो सीधे सीधे इस दरवाजे के हल्का सा जो वो जगह था उससे कैमरे से हमने रिकॉर्ड करके आप सभी को दिखाया। चलते हैं वहां पे भी, और उधर साइड से भी अगर आप सभी को वो सब मकबरे का अंदर का कुछ चीज दिखता है तो दिखाता हूँ। देख सकते हैं हम लोग, ये है निसार बेगम का मकबरा, और इनके बारे में जो कुछ लिखा है यहाँ पे लिखा है, जो कि खुसरो की बहन थी। और इस पे भी गेट लगा दिया गया, पहले यहाँ पे भी गेट नहीं लगा था, तो इसके ऊपर एंट्री करके हम लोग जो है काफी लोग, हम पिछली बार जब आए थे तो यहाँ पे लोग देखते थे कि रील्स वगैरह बनाते थे इसके ऊपर चढ़ के। और ये दोनों मकबरे हो गए हैं, अब हम चलते हैं इसके जस्ट बगल वाले में। और यहाँ पे देखिए ये गार्डनिंग के करके कितना अच्छा बनाया गया है, और हवा भी चल रहा है तो कितना जो है सब लोग इधर आए हुए हैं। तो गाइज ये थर्ड वाला जो मकबरा है वो शाह बेगम के बड़े बेटे खुसरो का मकबरा है, देखिए एकदम किनारे से। तो यहाँ पे और इनके बारे में यहाँ पे लिखा है, तो अभी हम दिखाते हैं बैक कैमरे से सारा कुछ दिखाते हैं, क्योंकि इधर से शायद अभी धूप उधर से है ना अपोजिट डायरेक्शन से इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से देखिए तीनों मकबरे एक लाइन से कितना प्यारा दिखेगा। सब बैक कैमरे से मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ये है शाह बेगम के बड़े बेटे का मकबरा, जिनका खुसरो नाम है, और वो सेकंड है खुसरो की बहन का मकबरा,
और उधर है शाह बेगम का मकबरा, और जस्ट उधर साइड में एक मकबरा है, अभी वहां पे चलेंगे तो उसके बारे में देखेंगे। हालांकि यहां पे लोगों को बैठने के लिए समय है, तो गाइस देख सकते हैं यहां पे ये मकबरा बना है, कांच में पैक है। तो यहां पे लिखा है खुसरो के बारे में, और इन्हीं के नाम पे पूरा ये गार्डन बना हुआ है। तो यहाँ पे लोग इस समय, आज संडे है तो लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ से व्यू देखिए, इसके ऊपर जस्ट हम लोग हैं। यहाँ पे बीच में फाउंटेन लगा था पहले, इसको तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया गया है, और यहाँ पे अब कूड़ा करते हैं। और इधर है, चलते हैं अब इसके नीचे आगे दिखा। तो दोस्तों वहां से हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे है बीवी तमोलन का मकबरा जो कि यहाँ पे स्थित है। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, आप सभी को दिखाते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ से व्यू देखिए, बाहर साइड से काफी स्वच्छ है इस समय, और इसके अंदर हम लोग देखेंगे क्या है, क्या कैसे है। तो यहाँ पे बनी है, डोर बंद है, और इधर साइड से डोर बंद है लेकिन खुला आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, नहीं इधर से भी बंद है, तो इधर साइड से ही देखते हैं। यहाँ पे मकबरा तो नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर बना है, देखेंगे ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके ऊपर मकबरा बना है। हालांकि उधर जो मकबरा बना था उसमें नीचे दो में मैंने देखा, एक में नहीं देख पाया। तो यहाँ पे देखिए जो है इसके ऊपर बना है। तो गाइस आज की ब्लॉग करते हैं समाप्त। आप सभी ने देखा कि यहाँ पे जो है कितना प्यारा मकबरा बना है, साथ ही साथ इस गार्डन में, इस बगीचे में आपको काफी प्रकार के जो है पौधे दिख जाएंगे, जैसे अमरूद का है, आंवला का है, और ढेर सारे चीजें हैं जो कि एक्सपोर्ट भी होता है, बाहर भी एक्सपोर्ट की जाती है, और काफी हरी भरी है इस समय जो है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। उसके पहले क्या करना है, फटाफट शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। बाय बाय।